या दलित समाज के नेता, अब उन्हें सोचना चाहिए। देखिए, इस पे अपनी तरफ से जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई है, उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है, इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में स्केड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर हैं, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है और लोक जनशक्ति पार्टी देखिए इस पे अपनी तरफ से जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई है, उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है, इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में स्केड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर हैं, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।